उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आहार योनि वर्ग, ठीक है, सबसे लास्ट है, ठीक है, 12th वर्ग वो बताया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है तेल के सामान्य गुण, ठीक है। तेल के सामान्य गुण में उन्होंने बोला गया कि जो तेल होता है वो सभी प्रकार के जो तेल हैं वो मधुरस वाले, कषाय जो होता है वो उसका अनुरस होता है, उष्ण वीरे वाले होते हैं, पित्तल पित्त को बढ़ाने वाले, कफ और कफ को ना बढ़ाने वाले लेकिन वात को कम करने वाले, ठीक है, सूक्ष्म विवाही बदवीन मूत्र बल्य त्वचय, ठीक है, मेद अग्निवर्धनम, ये बताए गए हैं, याद रखना मेद वर्ग अग्निवर्धनम। और इसका जो श्लोका है कई बार वो रख के पूछ देते हैं, ठीक है, क्या है, तैलम संयोग संस्कारात सर्व रोग अपम मतम, ठीक है। तो ये किसके लिए आया, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि संयोग, ठीक है, तेल ना रख के सीधा पूछ लेते संयोग संस्कारात सर्व रोग अपम मतम, तो किसके लिए, वो तेल के लिए बताया गया है। अब तेल में भी आगे टाइप्स आ जाती है, तो वो आ जाती है एरंड तेल, सरसव तेल, कुसुम तेल, ठीक है। तो उसमें जो कि है एरंड तेल है, तो एरंड तेल के लिए हम किसके लिए देते, तो विरेचन करने के लिए इसको दिया जाता है। तो एरंड तेल जो होता है, एरंड तेलम मधुरम गुरु श्लेष्म अभिवर्धनम, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये मध्य होता है, गुरु होता है, श्लेष्म अभिवर्धनम होता है। उसके बाद आता है वात असरिक गुलम हृदय जीन ज्वर अपम, तो उन्होंने रोग के लिए परम है, तो उन्होंने बोला गया कि वात रक्त के लिए, ठीक है, वातम असरिक है, ठीक है, तो वात रक्त के लिए, गुलम हृदय रोग जीन ज्वन के लिए क्या अच्छा अरंड का तेल जो है वो अच्छा माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास सरसव, ठीक है, तो सरसव का जो तेल है उसमें बताया गया है कि कटु उष्ण, तो उसमें कटु रस होता है, उष्ण होता है सरसव तेल, रक्त पित्त प्रदूषणम, तो रक्त और पित्त को क्या है प्रदूषण करने वाला, मतलब दूषित करने वाला होता है, कफ शक्र, ठीक है ना, कफ शुक्र, शक्र नहीं है शुक्र है, तो कफ शुक्र अनिल हरम कंडु कोठ विनाशनम, तो उन्होंने बोला कि कफ शुक्र को, ठीक है, और अनिल को ये क्या है नाश करने वाला होता है, और कंडु कोट को भी क्या है नाश करने वाला, ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कुसुम तेल, तो कुसुम तेल में क्या जाता है, उसमें बताया गया है कि ये इसमें कोड लिखा हुआ है 432, उसका मतलब होता है कि जो ये तेल है वो क्या है कटु, ठीक है ना, कि क्या है कटु रस वाला है, ठीक है, कटु रस वाला है, कटु विपाक वाला है, और ये क्या होता है उष्ण होता है, जैसे इसमें जो फोर का मतलब है, मतलब मधुर अम्ल लवन, मतलब फोर्थ नंबर पे रस, तो मधुर अम्ल लवन कटु, ठीक है ना, कटु फोर्थ नंबर पे आता है। अब उसके बाद आता है विपाक, तो विपाक में तीसरा नंबर, तो मधुर अम्ल कटु, तो विपाक तीसरे नंबर का। उसके बाद वीर्य, तो वीर्य क्या होता है शीत और उष्ण, तो उष्ण वीर्य आ गया, ठीक है ना, अत्यंत ये विदाही है, विशेषकर है, और क्या आता है सर्वदोष प्रकोपकम है, ठीक है, क्या आ जाता है सर्वदोष प्रकोपकम है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये होगी तेल की बात। अब आता है शुंठी, तो शुंठी के लिए क्या बोला गया है, तो शुंठी के लिए बोला गया है कि सस्नेहम दीपनम वृष्यम उष्णम वात कफ हफम, ठीक है, तो ये क्या है वात कफ को कम करने वाला है, विपाक का मधु, तो इसका विपाक जो है वो मधु रहता है, याद रखना कि ये वृष्य है, ये कटुरस होने के बावजूद भी क्या है पिपली और जो शुंठी है वो वृष्य रहती है। हृदयम रोचनम विष्य भेषजम, विष्य भेषजम बताया गया है। उसके बाद पिपली, तो पिपली के लिए उन्होंने बोला गया कि श्लेष्मला मधुरा च आद्र गुरवी, ठीक है ना, स्निग्धा च पिपली, तो उन्होंने बोला जो आद्र रहेगी वो तो क्या है श्लेष्म को बढ़ाने वाली, मधुर रहे और स्निग्धता रहेगी। अगर शुष्क की बात करेंगे तो कफ वात घनी है, कटु उष्ण है, ठीक है, वृष्य समता है, ठीक है। अगर मरीच की बात करेंगे तो वो कैसा रहेगा, ना अत्य उष्णम, वो अधिक उष्ण नहीं रहता है, मरीच जो होता है वो क्या है वो कैसा रहेगा अवृष्य, ठीक है, लघु रोचनम है। उसके बाद उन्हें मरीच के लिए एक और चीज़ बताई गई है, वो बताई गई है छेदनी, ठीक है, तो वो क्या कर, वो क्या है छेदन और शोषण करने वाली है, ठीक है ना, छेदनीयश्च शोषणाश्च दीपनीय कफ वात जीतम, तो वो कफ और वात को क्या है जीत लेती है, ठीक है, ये क्या है टोटल इन्होंने बताए गए हैं। इसी में लवन और क्षार के बारे में बताया गया। अब लवन में क्या है, पंच लवन पढ़ते हैं, पंच लवन भी होते हैं, षड लवन भी होते हैं, पंच लवन हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सैंधल लवन, तो सैंधल लवन जो होता है उसमें बोला गया कि रोचकम दीपम वृष्यम चक्षुष्यम अविदाही, ठीक है, दीपन ये सब इजी है, आंखों के लिए अच्छा है, विदाहक उत्पन्न करने वाला है, त्रिदोष गनम है, स मधुरम है, सैंधम है, ठीक है, और इसमें क्या बोल दी कि लवन में क्या सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। उसके बाद सोवर्चल, तो सोवर्चल के लिए बोला कि सोवर्चलम विबंध घनम, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हृदयम, ठीक है, उदर उद्गार उद्गार
उद्गार शोधिश्च, ठीक है, तो उद्गार जो होगा उसका क्या है, शोधन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है विडलवन, तो विडलवन के लिए बोला कि ऊर्ध्व अधश्च वात अनुलोमन, ठीक है ना, वात अनुलोमन करता है, ठीक है, ऊर्ध्व च अधश्च, तो ऊर्ध्व और अधः दोनों को क्या है, वात का अनुलोमन करता है, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि एक इसके लिए, तो विड के लिए बताया गया है, ठीक है ना, विड के लिए बताया गया। उसके बाद आता है औद्भिद, तो औद्भिद के लिए बोला कि स तिक्त कटु, ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा, तिक्त भी रहेगा, कटु रस भी रहेगा, स क्षारम, तो क्षार भी रहेगा, और उन्होंने बोल दिया तीक्ष्ण, ठीक है ना, तीक्ष्ण उत्क्लेशिद च औद्भिद। उसके बाद काल लवन, तो काल लवन के उन्होंने बोला क्या है, सौवर्च लवन सम गुणवान, किंतु इसमें गंध नहीं होती, किंतु इसमें क्या है, गंध नहीं होती। उसके बाद आता है समुद्र लवन, तो समुद्र लवन जो होता है उसके लिए बोल दिया है समुद्रकम स मधुरम, तो जो मधुर होता है तो उसमें समुद्र लवन इन्होंने बोल दिया है। नेक्स्ट अगला आता है सपंशु, ठीक है ना, पांशु लवन, तो पांशु लवन क्या होता है, स तिक्त जो होता है उसको क्या है, पांशु लवन बताया गया है। उन्होंने सभी लवनों के लिए एक चीज़ बोली है कोमन, तो उन्होंने बोला है कि लवन सर्वरोचनम, तो जो सारे लवन होते हैं वो क्या होते हैं, रोचन होते हैं, मतलब रोचक एज रुचि पैदा करने वाले होते हैं। पाकी संश्रयम, तो ये क्या है, संसरण करने वाले, और अनिल मतलब क्या है, वायु जो है उसको क्या है, नाश करने वाले, ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है क्षार, तो क्षार के लिए बोला गया कि सभी क्षार जो होते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण लघु रूक्ष क्लेदी विपाचन विदाहक, ठीक है, और दाहक दीपन छेदन अग्नि सम गुण वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है यव, तो यव क्षार जो होता है उसके लिए क्या बोला है, हरित पांडु, ठीक है ना, हरित पांडु ग्रहणी रोग प्लीहा अनाहा गल ग्रहण कासम कफम, ठीक है ना, क्या जाता है, कासम कफम अशांसी याव शुको वे पो हंती। तो उन्होंने बोला गया कि ये जो सारे यव क्षार के गुण बताए गए कि हृदय रोग के लिए पांडु ग्रहणी प्लीहा रोग अनाहा गलग्रह मासज रोग, ठीक है ना, कफज कास और सभी प्रकार के अर्श रोगों को क्या करता है, ये दूर करता है। नेक्स्ट अगला आता है अन्नपान के प्रशिक्षण विषय, ठीक है, तो अन्नपान के प्रशिक्षण विषय कौन से है, तो इसमें बोला गया है कि चरय, क्या बोला गया, चरय शरीर अवयव संभावो धात्वा क्रिया, ठीक है, क्या जाता है, चरय शरीर अवयव संभावो धात्वा क्रिया लिंगम प्रमाणम, ठीक है ना, लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रम च अस्मिन प्रशिक्षते, ठीक है। तो ये क्या है, 10 प्रकार इन्होंने क्या है, ये 9 प्रकार के, 10 नहीं 9 प्रकार के क्या होते हैं, अन्नपान परीक्षा के विषय होते हैं। तो आपको 9 प्रकार याद होने चाहिए कि चर शरीर अवयव स्वभाव धातु क्रिया लिंग प्रमाण संस्कार और मात्रा, ये क्या है, अन्नपान के परीक्षे बताए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले चर, चर का मतलब कि कौन से देश का है, कि अनूप का है, जांगम का है, स्थारण का है, ठीक है। अगर अनूप रहेगा तो गुरु मास रहेगा, अगर जांगम रहेगा तो लघु मास रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शरीर अवयव, तो शरीर अवयव के लिए बोला गया है कि शक्ति स्कंद कोड, तो शक्ति, ठीक है ना, तो जंगा, ठीक है, जंगा। उसके बाद स्कंद बोला गया है, उसके बाद छाती और शिर, ये क्या है, उत्तरोत्तर गुरु बताए गए हैं, मास के अकॉर्डिंग ये क्या है, इन्होंने अवयव क्या है, इन्होंने गुरु बताए गए हैं। उसके बाद वृष्य चम मेड श्रोमी वृक, ठीक है ना, ये किडनी वगैरह, यकृत लीवर गुदा रेक्टल मध्य देह, ये क्या है, उत्तरोत्तर इनका जो मास है गुरु बताया गया है, ठीक है ना, गुरु उत्तरोत्तर मास, मास में क्या है, गुरु बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्वभाव, तो स्वभाव से उन्होंने बोले कि ये कहीं पर भी पैदा हो या कहीं पर कहीं भी रहें तो इनका जो स्वभाव है वो वही रहेगा। तो मुग्ध लावा कपिंजल मास सदैव, इन्होंने बोला कि लघु रहता है, माश वराह महेशी मास, तो इन्होंने क्या बोला, ये हमेशा गुरु रहता है। उसके बाद धातु, तो धातु के लिए बोला कि धातु नाम शोनितादि नाम गुरु विज्ञात यथो उत्तम, ठीक है, रक्तादि धातु उत्तरोत्तर गुरु होती है। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी हम धातुएं जैसे हमारी 7 प्रकार की धातुएं होती है, रस रक्त मास मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो जो शुक्र धातु है उन्होंने क्या बोला, सबसे गुरु मानी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है क्रिया, तो क्रिया में इन्होंने बोला गया क्रिया जो होती है उसमें आता है आलसी प्राणी, ठीक है, तो आलसी प्राणी जो होगा उसके स्थान पर अगर क्रियाशील प्राणी का मास गुरु होता है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं है जो पड़ा रहेगा, जो आलसी से पड़ा रहेगा तो उस प्राणी का जो मास है वो गुरु रहेगा, ऐसा नहीं है, जो क्रियाशील वाला व्यक्ति होता है उसका जो मास है उसको गुरु बताया गया है।
उसके बाद लिंग, तो लिंग में क्या बोला कि एक प्रजाति के प्राणी जो होते हैं वो पुरुष का मांस का जो होता है वो गुरु रहता है, स्त्री का जो मांस है वो क्या है लघु रहता है। ठीक है, याद रखना। अगर लिंग का अगर मेल और फीमेल में देखें तो मेल का क्या होगा, वो गुरु रहेगा मांस मसल्स, और जो स्त्री रहेगी उसकी मसल्स जो होंगी वो लघु रहेंगी। प्रमाण की अगर बात करते हो, प्रमाण भी गुरुओं का जो जो पुरुष होंगे उनका जो प्रमाण होगा तो वो कैसा बड़ा होगा, स्त्रियों का प्रमाण जो होगा वो लघु होगा। संस्कार की अगर बात करते तो संस्कार में बोलते हैं कि गुरु नाम लाघवम विख्यात संस्कारात सब प्रिय। ठीक है, मात्रा, तो मात्रा की हम बात करेंगे, गुरु और लघु द्रव्यों की भोजन मात्रा अग्नि पर ही अपेक्ष बल पर मतलब डिपेंड करती है। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर जो पढ़े थे चरक सूत्र 5, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मात्रा स्थिति अध्याय नम, तो उसमें था कि जो भी हम खाना खाते हैं आहार की जो भी है तो वो किस पर डिपेंड करती है, तो व्यक्ति की अग्नि पर, कि उसकी अग्नि कितनी है, तो उसी टाइम उस हिसाब से उसको गुरु या लघु आहार का सेवन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बल आरोग्यम। ठीक है, क्या जाता है, बल आरोग्यम आयुष्यम प्राणस्य प्रतिष्ठतम। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, बताई गई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें एक लास्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि हित के लिए बताया गया। उन्होंने बोला कि षड त्रिशतम। ठीक है ना, इस तरह क्या है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्या है, एक तरह से उन्होंने बताया गया कि अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करते तो आपको क्या क्या होगा, या आप इसमें क्या क्या इसको इसके बाद क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि षट त्रिशतम। ठीक है, षट त्रि, तो षट मतलब 60 होता है, त्रि उसके बाद शतम, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो 30 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा कि षट, षट को साइड पे निकाल दो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है त्रिशतम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन्होंने बोला कि जो 36,000 है, इसका मतलब होता है 36, अगर हम इसको पढ़ते तो सहस्त्राणी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 30, देखो 30 प्लस 6, 36 हो गया, उसके बाद क्या आ गया सहस्त्राणी, मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो 100 रात्रि नाम। ठीक है ना, रात्रि नाम हित भोजनाम। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई हित का अभ्यास करने वाला जितेंद्रिय जो पुरुष है अगर इन चीज़ों का सेवन करता तो 36,000 रात्रि को क्या है अर्थात 100 वर्षों तक क्या है वो जीवित रहता है, इनका ये कहना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है, इन्होंने बोला गया है कि प्राण, क्या बोला गया कि प्राण, प्राण के लिए बोला कि प्राण है प्राण भृत्य अन्न अन्नम। तो उन्होंने बोला कि जो अन्न है वो क्या है प्राण है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि प्राण वन प्रसाद। ठीक है ना, सो स्रवे जीवितम प्रभृत्या सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेध सर्व अन्नम प्रतिष्ठतम। तो उन्होंने बोला कि प्राणियों के प्राण जो होते हैं अन्न है। ठीक है, प्राणियों का जो प्राण है, हम ऊपर पढ़ के है ना, प्राण प्राण है प्राण भृत्या अन्नम, अन्न है वन प्रसन्ना स्वर जीवन प्रतिभा सुख तुष्टि पुष्टि मेधा, ये सब जो हैं ये क्या है अन्न के लिए बताए गए। अगर आप इसका सेवन करते तो ये अगर आप चाहते हैं तो इसकी से कैसे होगा, तो ये अन्न के थ्रू ही आपको मिल पाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरह क्या है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।